दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से फेसबुक एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग इसके अंदर अपना अकाउंट बना सकते हो, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हो। ए टू जेड कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें दोस्तों, पहले आपने आ जाना है प्ले स्टोर पर, ठीक है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहां से आप लोग फेसबुक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर देखें, मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है, तो यहां से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। दोस्तों जैसे आप लोग फेसबुक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। देखें, अगर आपका फेसबुक पर कोई पुराना अकाउंट पड़ा है तो आप उसे यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल आपने क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखें, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, वो कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर करें, तो यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखें, मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपनी बर्थ डेट को चूज़ करना है और आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप मेल हो या फीमेल चूज़ करके आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर इंटर करके सिंपल आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक पासवर्ड मैं आपको इंटर करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप इसे इंटर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे ईमेल मांगेगा, तो आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके साइनअप वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखें, वो कह रहे हैं कि आपका नेम गलत है, तो हम इसे कट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम दूसरा ऐड कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें, वो अभी पे कह रहा है कि हमारा जो नेम है वो गलत है, तो यहाँ पर अगेन हम एक नेम इंटर कर लेते हैं। अगर आपके साथ भी ये कोई इशू है तो आपने अपने नेम को चेंज करके लिखना है, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है जी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, जैसे आप लोग फेसबुक के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो यहाँ पर देखें आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल की जो कस्टमाइजेशन है वो करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, आपने सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो लगानी है। सिंपल आपने कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी एक जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें, अगेन मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर पहले ऐड करेंगे, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर के बगैर हमारी जो प्रोफाइल है अच्छी नहीं लगती। सो यहाँ पर देखें, मैं एक पिक्चर यहाँ पर किसी भी पिक्चर को उठा लेता हूँ। उसके बाद हम इसे जो है डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें, मैं यहाँ से इसे अभी जो है कट कर देता हूँ। दोस्तों प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के बाद यहाँ से आपने अपनी जो लोकेशन है आपने उसको चूज़ करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये अगेन आपसे लोकेशन मांगेगा, तो आपने लोकेशन को यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना कोई स्कूल वगैरह ऐड करना चाहो कर सकते हो, बट मैं ऐड नहीं करूँगा और स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कॉलेज, तो इसे मैं क्लिक करूँगा, और कंपनी, तो इसे भी मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर इसे भी मैं स्किप कर दूँगा। उसके बाद आप अपनी जो बैक साइड की पिक्चर होती है जिसे आप कवर फ़ोटो कहते हो वो ऐड करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर देखें, मैं इसे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी और हमारी जो बैक साइड की कह सकती हो
कवर फ़ोटो होती है या बैनर भी कह सकते हो, तो वो भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। और हम इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप बायो लिख सकते हो, म्यूज़िक सब कुछ यहाँ पर ऐड कर पाओगे। सो यहाँ से अभी मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसे डन कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हमारी बैक साइड की पिक्चर आ चुकी है, प्रोफाइल आ चुकी है। और ये रही हमारी प्रोफाइल, जितनी पोस्टेज हम करेंगे यहाँ पर हमें शो होगा, हमारे रील्स, ये देखें रील्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर हम रील्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। ये देखें हम जो है इन बंदों को फॉलो वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे प्रोफाइल की यहाँ पर कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पर देखें आपके, यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है 15 फ्रेंड्स को यहाँ पर पहले फॉलो करो, उसके बाद ही आप जो है एक अच्छे तरीके से फेसबुक को यूज़ कर पाएंगे। सो यहाँ पर देखें पहले हम यहाँ से आप जो है कुछ बंदों को फॉलो आपने करना है, ठीक है, ताकि फेसबुक वाले ये ना समझें कि आपका अकाउंट फेक है, क्योंकि जब तक आप किसी को फॉलो नहीं करोगे आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। तो ये देखें यहाँ से मैंने जो है अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें ऐड कर सकता हूँ। सो ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद देखें ये सेंटर वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, इसका यहाँ पर क्या होगा कि कोई बंदा आपको अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है तो आप उसे यहाँ से कन्फर्म कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जितने आपको नोटिफिकेशन आएंगे यहाँ पर आपको शो करेगा। तो इसे अभी हम कट करेंगे और यहाँ पर देखें जितने बंदे, यहाँ पर क्रिएट स्टोरी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर अपनी एक जो स्टोरी है उसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से हमने इंस्टाग्राम पर अपनी एक स्टोरी को पोस्ट किया था, इस तरीके से वैसे ही हम फेसबुक पर भी अपनी स्टोरी को पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सॉन्ग वगैरह ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐड कर देता हूँ और शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमारी जो स्टोरी होगी वो यहाँ पर जो है फेसबुक पर शेयर हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी स्टोरी को पोस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि आप लोग अपनी पिक्चर को किस तरीके से पोस्ट करोगे। सिंपल आपने अपनी जो पिक्चर वाला आइकन है इस पर आपने क्लिक करके यहाँ पर देखें, मैं आपको एक यहाँ पर पिक्चर पोस्ट करके दिखा देता हूँ। इस पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें, ये देखें मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम इसका टाइटल इंटर कर देंगे। अगर आप इंटर करना चाहो कर सकते हो, अभी मैं इसे ऐसे ही पोस्ट करूँगा। तो मैं पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसे यहाँ से फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो ये मतलब कि सिर्फ मेरे जो फ्रेंड्स होंगे उनके पास ही रिकमेंडेशन के अंदर जाएगी। अगर आप इसे पब्लिक करना चाहो पब्लिक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें अभी पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी जो पोस्ट होगी वो यहाँ पर शेयर हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो वर्ड्स ऑन योर माइंड पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें अभी इसे मैं बैक कर देता हूँ, आप लोग इसे जो है यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आपको प्लस वाला आइकन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें आप पोस्ट कर सकते हो स्टोरी, रील्स, लाइव, ये सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक पर भी आप जो है अपने रील्स को अपलोड कर सकते हो, दूसरों के रील्स यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं अलाउ कर दूंगा और यहाँ पर मेरा कैमरा जो होगा वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना रील्स को क्रिएट भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखें कैमरा ओपन हो चुका है, इस पर मैं क्लिक करके म्यूज़िक, स्पीड, इफ़ेक्ट सब कुछ यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें बैक साइड का कैमरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो अभी हम इसे कट कर देंगे, तो यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ और मज़ीद सेटिंग यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी यूज़र को सर्च करना चाहते हो तो सर्च वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अपने फ्रेंड को या किसी भी यूज़र को यहाँ पर सर्च कर सकते हो, उसे यहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो या कोई कुछ भी यहाँ पर सर्च करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैसेंजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके देखें फेसबुक पर अगर कोई दोस्त आपको फेसबुक पर मैसेज करता है तो मैसेंजर का कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। अगर आपके पास मैसेंजर एप्लीकेशन नहीं है तो फिर भी आप लोग यहाँ से अपना जो मैसेंजर अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो और अपने दोस्तों को यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अभी मैंने आपको जो सेटिंग बताई है ये वो सेटिंग है जो कि आपको आपके डैशबोर्ड पर देखने को मिलती है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी सेटिंग है जो कि आपको करनी है और मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वो सेटिंग बताता हूँ जी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें आपको 3 डॉट मिलते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें
आपको बहुत सारी सेटिंग मिलती है जो कि आपने लाजमी करनी है, ठीक है। फीड्स का ऑप्शन है, फाइंड फ्रेंड्स, ग्रुप्स, मार्केट प्लेस पर हम क्लिक करें तो मार्केट प्लेस पर आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। फीड्स का ऑप्शन है, यहाँ पर देखें मैं मार्केट प्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें, ये देखें, ठीक है, आप इन्हें सेल भी कर सकते हो। यहाँ पर अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो सो वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। फीड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो ट्रेंडिंग न्यूज़ होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फेवरेट्स, फ्रेंड्स, ग्रुप, पेज, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो अभी हम इसे बैक कर देते हैं और यहाँ पर देखें ग्रुप्स का ऑप्शन है। आपने जितने ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखा होगा, अगर आप अपना खुद का ग्रुप बनाना चाहते हो तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। वीडियोस ऑन वॉच का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें वीडियोस का जो ऑप्शन होगा वो आपको मतलब कि कुछ टाइम के अंदर मिल जाएगा। बट यहाँ पर देखें फॉर यू, लाइव गेमिंग, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये देखें, ये वो वीडियोस हैं जो कि अभी ट्रेंडिंग में हैं और आप लोग यहाँ पर उन्हें यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। लाइव का ऑप्शन है, गेमिंग का, अगर आप कोई वीडियो को सर्च करना चाहते हो, ठीक है, तो सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके यहाँ से आप अपना खुद का पेज बना सकते हो। दूसरों के पेज, जितने भी पेज आपने फॉलो करके रखे होंगे वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो अभी हम इसे बैक करते हैं। सेव्ड रील्स का ऑप्शन है, इस रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने आपको रील्स में स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पर आप दूसरों के रील्स को देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें काफ़ी सारे जो ट्रेंडिंग वीडियोस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप लोग इन्हें यहाँ पर देख सकते हो। अपना कोई रील्स यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर देखें कैमरे वाला आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना एक रील्स यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर देखें गेमिंग स्टोरीज का ऑप्शन मिलता है इवेंट का, तो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखें हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से अगर आपको कोई इशू आता है तो आप हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हेल्प ले सकते हो। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर हम चले जाएंगे। और यहाँ पर देखें आपने यहाँ पर देखें आप पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, सिक्योरिटी, पेमेंट, न्यूज़ फीड्स, नोटिफिकेशन, शॉर्टकट, सब कुछ सेटिंग आपको मिलती है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को सिक्योर करना चाहते हो, कोई नंबर, सब कुछ, अगर आप अपनी प्रोफाइल का नेम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। डिवाइस रिक्वेस्ट सेटिंग्स पे हम अगेन जाएंगे, तो यहाँ पर देखें पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हो, नंबर चेंज करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट इन्फो, वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। पेमेंट, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करें, देखें आप लोग यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यहाँ पर देख लें, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ यहाँ से टाइट कर सकते हो। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है, ऐड पेमेंट मेथड, एड्स पेमेंट, सो ये कर सकते हो। न्यूज़ फीड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, कमेंट्स नोटिफिकेशन, ये आप लोग यहाँ से अलाउ करना चाहो कर सकते हो। मैसेज, शॉर्टकट, मीडिया, डार्क मोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है अपने फेसबुक को डार्क मोड पे रख सकते हो, इसे लाइट पे रख सकते हो। योर टाइम ऑन फेसबुक, आपने जितना टाइम फेसबुक पे स्पेंड किया, आई होप यहाँ पर देखें, सी योर टाइम, मैनेज योर टाइम, गेट मोर फ्रॉम योर टाइम, कंट्रोल योर नोटिफिकेशन, ये आप लोग यहाँ से अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। देखें जितना टाइम आप स्पेंड करना चाहो। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके शॉर्टकट का ऑप्शन है, मैसेज प्रीव्यू, ये देखें, एक्टिव लोग, अकाउंट योर इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड योर डेटा अबाउट, देखें बहुत सारी सेटिंग मिलती है। अपलोड कॉन्टैक्ट्स, एप्स एंड वेबसाइट, लोकेशन, फॉलोअर्स रिक्वेस्ट, स्टोरीज, रील्स, सब कुछ आपको सेटिंग मिलती है जो कि आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पोस्ट करके भी दिखा दिया है, रील्स का, वीडियोज़ ऑन वॉच, मार्केट प्लेस, जो कि मेन पॉइंट थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। बस यही सेटिंग आपको फेसबुक के अंदर देखने को मिलती है। और इस तरीके से आप लोग फेसबुक पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, अपने अकाउंट को यहाँ पर जो है सिक्योर कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप इस तरीके से अपनी पिक्चर यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, रील्स को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखें ये ट्रेंडिंग अभी मेरे पास नहीं आ रहे थे, अब यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। जितने आप लोग फ्रेंड्स बनाओगे इसी तरीके से आपकी यहाँ पर जो होगी फेसबुक अच्छी तरीके से बनती जाएगी आपकी प्रोफाइल। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।